भोले बाल कंद भगवान की जय। आदो आपके समक्ष श्रवण कराऊं। अज्ञानतावश भूलवश मानवतावश
त्रुटि होना स्वाभाविक है, गलतियां हो जाती है। व्यासपीठ से कोई गलती हो, एक अज्ञानी ब्राह्मण बालक समझ करके मेरी गलतियों को माफ करना और भगवान की कथा पे पूरा पूरा ध्यान रखना। आइए भगवान के मंगलमय चरित्र पर प्रवेश करें, अपने तन को मन को भगवान के सुंदर संकीर्तन की ओर संलग्न करें और इस ज्ञान रूपी गंगा में फिर डुबकी लगाएं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, Oh, 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 oh
पूर्व कथा के प्रसंग में आप सभी जिज्ञासु श्रोता पर बने रहिए। पूर्व कथा के प्रसंग में आप सभी भगवान की रसीली कथाओं का आनंद नित्य प्रति ले रहे हैं। आज से भागवत कथा का सफर षष्ठम दिवस सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। सांकालिक 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों प्रथम दिन की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र, द्वितीय दिन की कथा में आप परीक्षित जी महाराज के जन्म का चरित्र भी सुने हैं, शिव और सती का चरित्र भी आपने श्रवण किया, तृतीय दिन की कथा में समुद्र मंथन आदि सृष्टियों का वर्णन, जय विजय को श्राप वैकुंठ से और कश्यप जी की दोनों पत्नियों के यहाँ दैत्य और देव संतानों का वर्णन अभी आपने श्रवण किया, चतुर्थ दिन की कथा में राम कथा का भी आपने श्रवण किया और सायंकालीन की बेला में सामरी बिहारी का जन्म सभी बड़े धूमधाम से मनाया। पंचम दिन की कथा में भगवान की रसीली लीला, प्रभु ने किस प्रकार से मथुरापुरी में जन्म लेकर के और गोकुल में लीला करी है, पूतना को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, धृतकासुर को मारा, अनेकों कंस ने एक के बाद एक अनेकों राक्षस भेजे, लेकिन एक भी राक्षस वापिस जब कंस को जाकर के कोई खबर नहीं दी, कंस बड़ा चिंतित, जो जो समय बीत गया तो कंस बड़ा चिंतित हो गया कि मैं यहाँ से जो भी राक्षस भेजता हूँ वो एक भी वापिस नहीं आता। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित प्रभु ने काली धैनी क्या करी, हे राजन परीक्षित इंद्र को मोह हुआ, ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ था, ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाओं को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने भी जाकर के जब कन्हैया गौ चला रहे थे गोप वालों के साथ में तो उनकी गैया उनको चुरा लिया था, सांवरे बिहारी गोप वालों के साथ बैठे हुए थे, गैया आगे पहाड़ की तलहटी गोवर्धन पर्वत की तलहटी में चल रही थी, गैयाओं को जब चुराया कन्हैया ने गोप वालों से कहा भैया तुम यहीं पर रहो, मैं गैयाओं का पता लगा कर हूँ, आज गाय बहुत आगे तक पहुंच गई है, कन्हैया अकेले ही वहां पर चले गए, जाकर के ढूंढा तो वहां पर कोई गाय नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी ने पीछे से उन गोप वालों का भी हरण कर लिया। साबरे बिहारी वापिस आए तब तक तो गोप वाल भी प्रभु जान गए कि गाय ब्रह्मा का है, प्रभु ने अपनी माया से प्रेमियों वैसे के वैसे ही तो गौ वैसे के वैसे ही गोप और ग्वाल बना लिए।
अब तो प्रभु जैसे सायंकाल घर पहुंचे, प्रभु की माया के कारण किसी को भी बेचवे पता तक नहीं लगा कि गाय हुई है वही है। और ये क्रम फिर सुबह हुई, गायों को लेकर के वही ग्वालों के साथ वापिस आ गए। सुबह आना, शाम को चले जाना, ये क्रम एक वर्ष तक चलता रहा। तब ब्रह्मा जी सोचे कि तो मुझसे बड़ी भूल हो गई है। तब ब्रह्मा जी ने आकर के प्रभु से वंदना करी, प्रार्थना करी, क्षमा प्रार्थना करी और कहा प्रभु मुझे क्षमा करो। मुझे ज्ञात है, मैं जानता हूं प्रभु आप इस दास को तो क्षमा कर देंगे, अवश्य क्षमा करेंगे। और वैसे भी प्रभु एक बात तो हूं, आपने जब सृष्टि उत्पन्न करी, आप जब कमल पर विराजमान थे, सृष्टि का प्रलय हुआ, केवल जल ही जल था उस कमल से, प्रभु मेरी उत्पत्ति है। यदि मैं आपसे उत्पन्न हूं तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं? सामरे बिहारी कहने लगे, हाँ ब्रह्मा जी कहो क्या कहना चाह रहे हो? कि प्रभु जब मैं आपका पुत्र हूं तो प्रभु मेरी तो एक ही इच्छा है, क्या प्रभु यदि जब कभी मुझे भी यदि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर वास मिल जाए, इस पृथ्वी पर कभी आप मुझे जन्म दे दें, तो मेरी तो एक ही इच्छा है प्रभु मुझे उस ब्रज का वास दे देना, इस ब्रज का वास दे देना। प्रभु कहने लगे, ब्रह्मा जी आपको ब्रह्मलोक छोड़ करके इस ब्रज में आने से क्या फायदा होगा? कि प्रभु इस ब्रज में आपके चरणों की जो रज है, उस रज में मैं लोट लगाऊंगा तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। प्रभु मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे मनुष्य ही बनाएं, आप चाहे मुझे पशु बनाए, चाहे पक्षी बनाए, यहाँ तक तो मोर बनाओ, पपैया बनाओ, गौ बनाओ, आप चाहो जो बनाओ। और भगवान ने क्षमा प्रार्थना कर दिया ब्रह्मा जी को। हे राजन परीक्षित, ऐसी अनेकों प्रभु ने अनंत लीला करी है। प्रभु ने गोपियों के साथ में अनेकों लीला करी है, गोप ग्वालों के साथ भी, नित्य प्रति ग्वालों के साथ जाना, गैया चराना, तरह तरह के खेल खेलना। हे राजन परीक्षित, इधर तो प्रभु की लीला चल रही है और उधर माता देवकी का एक एक पल भाई, आज मेरा बेटा कितने, एक एक दिन कैसे व्यतीत हो रहे, कितने वर्ष का हो गया, बड़ी दुखी है। ये भाग्य की बड़ी विडंबना है प्रेमियों, माता देव की और वसुदेव की बड़ी दुखी है। अपना पुत्र पढ़ना तो पुत्र का हक जता सकती है, नहीं जाकर के उसके सुखद समाचार ले सकती है। वहीं पर कई प्रकार के मन में विचार आती है, लेकिन वसुदेव जी धैर्य बना देते हैं, देवी जितने दिन का दुख लिखा हुआ है उसको परमात्मा के अलावा कोई नहीं बता सकता। उनके विरह की स्थिति बड़ी भारी बनी हुई है। आप प्रेमियों, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, प्रभु वैसे इस धरा धाम पर 125 वर्ष रहे, उनकी 11 वर्ष की लीला गोकुल लीला है, 14 वर्ष की लीला मथुरा लीला है,
और 125 में से जो शेष बची है पूरी द्वारका लीला। प्रभु सुखदेव यहाँ की लीला से विदा लू और आगे की ओर प्रस्थान करें। इधर कंस वनाचिन्ह के तहत कंस ने सभा बुलाई, सभा बुला करके सबको एकत्रित किया, दैत्यों को एकत्रित किया और दैत्यों से कहा ऐसा कोई सूर्य दो जो हमारा भी हो और उधर गोकुल वासियों का भी हो। जहां तक मुझे अवगत हो रहा है मेरा बैरी वही हो सकता है। सभा चल रही थी प्रेमियों, उसी समय पर नारद जी महाराज का आगमन हो गया और नारद जी ने सारा रहस्य छोड़ दिया है। आज नारद जी ने कह दिया अरे कंस तू बड़ा दुखी हो रहा है, क्या बात है? कंस कहते हैं महाराज आपको तो सब पता है लेकिन अब देखो मेरे बैरी का पता नहीं लग रहा है कहाँ है। यहां से मैं इतने राक्षस भेज दिए, दैत्य भेज दिए, एक भी वापस नहीं आया। नारद जी कहने लगे भैया जो भी तू राक्षस भेज रहा है उनको मारने वाले और कोई नहीं है, वो ही कृष्ण और बलराम है। और कृष्ण और बलराम ये देवकी के ही है। अच्छा फिर तो मैं देव के वसुदेव को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नारद जी कहने लगे इनको मारने से क्या होगा, मूल चट पर जाओ, इशारा कर दिया कृष्ण बलराम के लिए। अच्छा नारद जी तो कह करके चले गए और प्रेमी इस दुष्ट ने फिर देव के वसुदेव को वापस कारागार में डाल दिया और सभा में फिर अक्रूर जी भी आए हैं और अक्रूर जी को ही निवेदन कर दिया है। अक्रूर जी से ही कह दिया अक्रूर ऐसा भैया तुम नंद के गोकुल में जाओ, कृष्ण और बलराम को तो तुम्हारे साथ ही लेकर के हो। कंस किस प्रकार से कह रहा है कि कच्छे नंद व्रजम तत्र सुतावान कहे दुंदुवे आसते तव विहानिन रथीन आनय माचिरम। गच्छ नंद व्रजम तत्र है, पूरा ब्रज क्षेत्र में से किस जगह जाना है जहां नंद जी रहते हैं उस जगह जाओ, वहां पर सुता वानक दुंदुभे, जानक दुंदुभे कहते हैं अनक वसुदेव जी का नाम है। वसुदेव जी के जन्म के समय पर दुंदुभियां अपने आप बच गई थी इसलिए उनको आनक दुंदुभी भी कहते हैं। तो वसुदेव जी के लिए कहा है वहां पर वसुदेव के पुत्र रहते हैं कृष्ण और बलराम। हे अक्रूर और कृष्ण और बलराम को तो तुम रथ में ही बिठाकर साथ में लेकर के आओ, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो और इस रहस्य को वहां पर किसी के सामने खोलना नहीं है। यहां महाराज कहो क्या करना है, कृष्ण बलराम को रथ में बिठा करके लेके आना है और उस नंदराय से कह देना दूध दही मक्खन आदि जो भी भेंट लानी है वो बल प्रसाद वो भी यहां पर आ सकते हैं, यहां पर धनुष यज्ञ का आयोजन है। यही उनको कहना है केवल की धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया गया है और किसी प्रकार का रहस्य मत बताना। लेकिन यहां पर जब वो कृष्ण और बलराम आ जाएंगे तो मैं उनको कुबल या पीठ हाथी से मसल कर दूंगा। चारों और मुस्तक जैसे मेरे पास पहलवान है, यदि हाथी से भी नहीं मारे गए तो फिर मैं चाणक मुस्तक आदि पहलवानों से इनको मशा दूंगा और फिर भी बचा तो मैं उन्हें अपने हाथों से उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और फिर देव के और वसुदेव को भी मैं मार दूंगा। और अग्रसेन चाहे मेरा पिता ही है अभी भी राज के लिए लालायित है
इसको भी मार दूंगा और फिर मैं निष्कंटक राज्य करूंगा। अकबर जी सोचने लगे हुआ कैसी कैसी इसकी कल्पना है और इस काम के लिए दुष्ट आज मुझे भेज रहा है। ठीक है, अक्रूर जी ने कह दिया ठीक है महाराज चले जाऊंगा। अक्रूर जी शाक को भरा गए और फिर सुबह जल्दी ही अक्रूर जी के यहाँ पर कंस ने रथ भेज दिया है। अक्रूर जी कई प्रकार के मन में विचार कर रहे हैं और कंस के मन में तो वही बात घूम रही है जो नारद जी के घर के में थे। नारद जी ने कह दिया था यशोदायां सुताम कन्या देवक्याम कृष्ण मेव चे राम रोहिणी पुत्रो वसुदेवेन विभ्यतः। नरद जो कहकर के कहते वही बात घूम रही है कंस के दिमाग में। अच्छा तो देवकी और वसुदेव ने मेरे साथ इतना छल कपट किया है। नारद जी ने कहा है कि यशोदायाम सुताम कन्या, यशोदा की तो कन्या हुई है और यशोदायाम सुताम कन्या देवक्याम कृष्ण मेवचे, कृष्ण देवकी का है तो देवकी का पुत्र यहां से गया है मथुरापुरी से, तो मथुरापुरी में तो आना चाहिए। मथुरापुरी से इन्होंने भेज दिया और मुझे पता नहीं लगा, देखता हूं अब कैसे बचेंगे। अच्छा और इनमें एक, चलो ठीक है, लेकिन एक और रहस्य राम रोहिणी पुत्र, इसकी दूसरी पत्नी है वसुदेव की, उस रोहिणी का पुत्र बलराम है वो भी उस कृष्ण के साथ हो। अच्छा ठीक है, दोनों आएंगे, दोनों कोई बातचीत नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मन में कई प्रकार के भाव ला रहा है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कोले फिर हाथी से मरवा दूंगा। प्रेमियों देव के वसुदेव को तो जेल में डाल दिया, उग्रसेन को भी बंदी बना लिया है। अक्रूर जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हे प्रभु आगे तू ही रक्षा करना, अब मैं गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहा। बंधुओं आगे का प्रसंग प्रारंभ हो उससे पूर्व अभिजीत कई मुर्गा आज एक और खुशी का अवसर आपके ही साथ में जो आई हुई बंधु है श्री भागवत सेवा समिति सवाई माधोपुर के तत्वधान में जो भी आपके आई हुई है उन्हीं में जयपुर से पधारे हुए आपके ही जाने पहचाने बंधु है
कल ही भागवत कथा के सामने यहाँ पर उनके हृदय में जिज्ञासा हुई कि ये भागवत कथा का आयोजन हमारे जयपुर में वहां पर भी होना चाहिए, और उन्होंने मानसिक संकल्प लेकर के और ये बहुत सुंदर आयोजन के लिए आज ही भागवत कथा के इसी प्रांगण में और इसी मंच पर नारियल देना तय कर लिया है। तो मनोज जी उन्हें आमंत्रित करें जो जयपुर से कथा के जयपुर से कंधु आई हुई हम अपनी भागवत सेवा समिति में। सुल्तान जी मुहूर्त का थोड़ा सा समय का। श्रीमान जी सुनील जी नागर, श्रीमती पूर्णिमा नागर, अच्छा इनके साथ के बंधु भी मित्र सामोरी गई हुई कहीं थोड़ा सा समय लेंगे तब तक कथा का प्रश्न आ गया। तो प्रेमियों अक्रूर जी महाराज मथुरापुरी की ओर जब चलने को प्रस्थान हुए इति इति साचितनयम कृष्णम स्वफलके तनयो हरि रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्याशादगिरी कृपा। प्रेमी अक्रूर जी महाराज ऐसे ही रथ में बैठ करके और मथुरापुरी की ओर मथुरापुरी से प्रस्थान करे हैं और कई प्रकार के विचार मन में आ रहे हैं और इनका रथ धीरे धीरे गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चलते चलते जो ही गोकुल की ओर धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं विचार कर रहे हैं, एक तो प्रसन्नता कि मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा, बलराम जी के दर्शन करूंगा, उनके दिव्य लीलाओं का बखान तो मैं सुन रहा हूं, उनसे साक्षात्कार होगा। यही विचार में खोते हुए विचारों में खोते खोते ही गोकुल ही आ गया। लेकिन तब तक संध्या हो चुकी थी, शाम हो गई, गोधूली मेला आ गई। जिस समय गायें जो वन से चल करके आती है गोधूली मेले उसको कहते हैं गोधूली। गाय के खुरों से जो धूल उड़ती है, पहले गांव में गायें संध्या के समय पर जब खेत वन खंड से चर करके आती थी उनके झुंडों के झुंड आते थे, झुंड के झुंड गायों के आते थे और वो उनके खुरों से जो मिट्टी उड़ती थी तो गांव में एक अलग ही उसका माहौल दिखाई देता था उस धूलि का। और उसी समय पर तुलसी में दीपक जलाने का भी समय होता था, वो धूलि मेला उस समय पर। जैसे ही अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं रथ से उतरे, लेकिन देखे उसी समय पर भगवान कृष्ण और बलराम जी अपने खिरक से गायों को छोड़ करके अपने ज्यों ही भगवान की ओर जाने लगे। कन्हैया कहने लगे दाऊ देखो कोई आया है, ऐसा लगता है हमारे यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं, देखो रथ आया, रथ में से कोई उतरे हैं, चलो भैया। दाऊ चले और कृष्ण और बलराम दोनों चले हैं और जैसे उनको देखा और प्रणाम किया, चाचा जी प्रणाम, आप कहां से आए हो, कहां जाओगे? अक्रूर जी जान गए कि यही कृष्ण और बलराम है। ये भैया ललाओ मैं तो मथुरापुरी से आया हूं और नंदराय जी के यहां जाऊंगा, उनसे मिलने आया हूं। अच्छा तो हम नंदराय जी के लाल हैं, मैं नंदराय जी का ही हूं, कृष्ण मेरा नाम है, ये दाऊ मेरा बड़ा भैया। अच्छा तो प्रेमी एक हाथ तो पकड़ लिया भगवान सांवरे बिहारी ने और एक पकड़ लिया
बलराम जी ने दोनों अक्रूर जी को लेकर के और चल दिए। जो आनंद भवन में पहुंचे नंद राय जी ने उनका बड़े भाव से स्वागत सत्कार किया। गृहीत्वा पाणिना पाणि आनय सानुजो गृहम्। पाणिना पाणि हाथ में हाथ, पाणि हाथ को भी कहते हैं। वैसे पानी जल है लेकिन पानी हाथ कहते हैं। पानी ग्रहण संस्कार तो फिर भी हाथ से हाथ जब पकड़ रखे हैं तो बड़े आनंदित तो हो रहे हैं अक्रूर जी, बड़े प्रसन्न है। और चलते चलते जब नंद राय जी के यहाँ पर पहुंच गए महल में, नंद राय जी ने बड़े भाव से उसको बिठाया, परिचय हो गया था, थोड़ी सी जान पहचान थी और अधिक बड़ी भोजन इत्यादि करने के उपरांत अक्रूर जी से पूछा, अक्रूर जी आप यहाँ कोई विशेष प्रयोजन से आए हैं या दर्शन प्रसंग के हिसाब से ही? अक्रूर जी ने जब भोजन कर लिया तो उसके उपरांत सोच रहे थे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे कहूँ। अक्रूर जी निवेदन करने लगे, बैठिएगा नंद राय जी, देखो वैसे तो विशेष प्रियजन ही मान लो, मथुरापुरी में महाराज कंस एक आयोजन कर रहे हैं धनुष यज्ञ का। उस धनुष यज्ञ के आयोजन में बहुत दूर दूर से लोग आमंत्रित किए गए हैं, आप लोगों को भी आमंत्रित किया है। कृष्ण और बलराम को तो उन्होंने मेरे संत रथ में बिठा करके ही बुलाया है, आपके साथ और कृष्ण बलराम कि हाँ ऐसा उनका आदेश है, आप भी आ सकते हो गाड़ी रथ आदि बैठकर के बाद में गोप वालों के साथ आप ही धनुष के देखिए, लेकिन कृष्ण और बलराम को तो आप मेरे साथ ही भेज दीजिएगा, ऐसा निवेदन है। इतना कहते ही तो नंदराय खामोश हो गए, चुप हो गए। यही बात उधर यशोदा जी ने रसोई में सुन ली, चुपचाप यशोदा जी जैसे ही पास में आई और फिर उनकी चर्चा विस्तृत अधीन हो गई, भीतर जाकर के और फिर रोने लग गई। मैया यशोदा आंखों से आंसू की धार बह गई। कन्हैया को अक्रूर जी को पहुंचा करके और खेलने चले गए बालकों के साथ, फिर आए तब तक देखा तो ना मैया भोजन कर रही है। कन्हैया पूछने लगा, मैया क्या बात हो गई, आपने भोजन नहीं किया? कि लाला पता नहीं है ये अक्रूर यहाँ क्यों आया है। कन्हैया ने अक्रूर जी से सारी चाचा जी से पूरी बात की, पूछ लिया उन्होंने सारी बात बता दी। कन्हैया कहने लगे, माँ मैया मथुरापुरी तो लेके जा रहे हैं, धनुष यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं, कहाँ परेशानी है? अरे कन्हैया तू नहीं जाएगा, वह दुष्ट पापी कंस बड़ा निर्दयी है, मैं तुझे नहीं भेजूंगी। नंद बाबा भी समझाने लगे, बहन कब तक अपने पास रखे, अरे इसको दुनियादारी देखने दे, कब तक अपने पास रखेगी, कभी तो बाहर निकालेगी। नंद बाबा भी खूब समझा रहे हैं लेकिन मैया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। समझाते गए नंद बाबा और अक्रूर जी तो उधर बातें करते करते बहुत रात बीत गई। इधर कन्हैया जैसे तैसे करके माँ को भोजन करा रहे लेकिन आज भोजन मन नहीं करता, रो रही है। कन्हैया ने जबरदस्ती भोजन तो करा दिया लेकिन फिर कन्हैया क्या तू वास्तव में हमें छोड़ करके जाएगा? मैया तू तो ऐसे सोच रही है जैसे मैं कोई हमेशा के लिए जा रहा हूं। प्रेमी सांवरे बिहारी जानते हैं कि अब आज की रात हूं मैया के पास,
लेकिन कहना पड़ रहा है अरे भैया जल्दी आ जाऊंगा, तू क्यों चिंता करती है, धनुष से देखने को जा रहा हूं, इतनी अधीर मत हो। लेकिन प्रेमियों मैया भी जान रही है कि पता नहीं आगे क्या होगा। माँ और बेटे को बात करते करते, मैया को और कन्हैया को बात करते करते आधी रात हो, ना कन्हैया को नींद आ रही है ना मैया को नींद आ रही है, दोनों एक ही सीज पर सो गए हैं। माँ बेटे सो रहे हैं, कन्हैया भी सो रहे हैं। अब कन्हैया कहने लगे मैया अब सो भी जाओ, कन्हैया तुम सो जाओ। कन्हैया ने करवट ले ली, कन्हैया ने सोचा कि मैं बहाना बना लूं तो मैया भी सो जाएगी। कन्हैया ने जैसे ही बहाना बनाने के नींद का बहाना बना लिया, कन्हैया चुप हो गए बिल्कुल। और प्रेमी मैया ने सोचा कि कन्हैया को नींद आ गई और मैया वहां से उठी और अटारी में चली गई। वहां पर जाकर के फूट फूट करके रो रही थी। जैसे ही कन्हैया ने करवट सीधी करी, हाथ डाला, देखा तो मैया नहीं है। जैसे ही उठे और प्रेमियों देखा तो मैया को ढूंढते ढूंढते मैया तो अटारी में बैठी बैठी रो रही थी। अटारी पर जैसे ही मैया के पास बैठ गए, अपने हाथों से मैया की आंसू पोंछे, मैया तो पागल हो गई है, अरे राजा का आदेश है, उसका पालन तो करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य तो रख दू, तू कब तक मुझे अपने पास में रखेगी, क्या मुझे बाहर नहीं जाने देगी, मुझे कायर बना के रखेगी। लगा पता नहीं क्यों मेरा हृदय बड़ा भयभीत हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कहीं तो वहां मथुरा की क्या व्यवस्था है, क्या लीला है, क्या स्थिति है वहां की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगा प्रेमियों माँ को और मैया को और कन्हैया को बात करते करते सारी रात भी सुबह जल्दी ही जैसे ही गोपियां आपस में कहें बहन हरी सखी देखो ये आज नंदराज जी के द्वार पर रथ किस खड़ा हुआ है, किसका रथ खड़ा हुआ है। एक दो सखी गई जाकर के देखा तो मां की स्थिति को देखा, आज जो गोकुल में रोज चहल पहल नंद भवन में दिखाई देती थी, जो माहौल रोज दिखाई देता था, आज वो माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। गोपियां ने जब चेहरा पड़ा मैया का, बाबा का चेहरा, बाबा के चेहरे पर भी खामोशी छाई हुई है, मैया का हाल बेहाल है। गोपियां जैसे ही पता लगा मैया के पास जाकर के, मैया ने रोते रोते कि आज कन्हैया को कोई लेने आया है, मथुरा कोई से संदेश आया है, कंस उस दुष्ट ने यहां भी हमको चैन से अब तक भी नहीं रहने दिया, अब वो क्या चाहता है, अब क्या चाहता है। ए गोपियों मेरे कृष्ण को मत जाने। गोपियां कहने लगी मैया हम सत्य कहती हैं, ये रथ चाहे हमारे सिर के ऊपर से चले जाएगा, हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे, कृष्ण बलराम को हम जाने नहीं देंगे। मैया के साथ तो गोपियों का झुंड पर झुंड आकर के और आंसुओं में भिगो दिया है जैसे आंगन को ही। आहो संयोज में था प्रणयीन दीन ताशा
वियुनांच पाठक विक्रीडिता देवक चेष्टितम यथा। अरे विधाता, तुझ में थोड़ी बहुत भी दया नहीं है? तू क्यों तो किसी से प्रेम करवाता है और क्यों फिर उस प्रेम करने वाले से हमको दूर बिछड़ाता है? तूने क्यों तो ऐसा कन्हैया से प्रेम करवाया? अब तू देख रहा है मैया की क्या स्थिति हो रही है। गोप ग्वाल भी एकत्रित होकर के सब पास में आ गए हैं। गोपिका कन्हैया के पास चले गए। कन्हैया, क्या वास्तव में तुम हमें छोड़ करके जाओगी? गोपियों, अरे मैंने यहां बहुत लीला करी है, क्या बाहर नहीं जाऊं? कब तक यहां रहूं? और तुम तो जानती हो राजा का आदेश है। वो भी जल्दी आ जाओ। तुम मैया को समझाओ, बाबा को समझाओ। तुम भी अधीर हो रही हो, तुम्हें अधीर हो देख देख करके तो मैया और अधीर हो जाएगी। बताओ तुम मैया को विश्वास कैसे देना है? मुझे तो जाना है, बलराम भैया को भी जाना है। कन्हैया ने कहा, गोपिया कहने लगी, कन्हैया ठीक है, हम तो हमारे हृदय को समझा लेंगे, लेकिन उस गोपी को जाकर के देख उसकी क्या स्थिति बन रही है। प्रेमियों और सखियां तो फिर भी झुंड के झुंडों में जाकर के रो रही थी। सब मिलकर के कोई मैया के पास बैठ करके समझा रही थी, मैया को आंसू बहा रही थी। लेकिन राधारी जो थी सबसे दूर अकेली बैठी बैठी। राधा जी की और जब इशारा कर दिया तो कन्हैया से कहा, कन्हैया उनको जा देख। तो प्रेमियों, राधा जी के पास कन्हैया जाकर के बैठ गए। राधा, अरे राधे, तेरे साथ तो मैं बहुत नचाऊं, अब तो मुझे इस संसार में तो नचाने दे। हे राधे, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। लो, ये मेरी बांसुरी, जब कभी तुम्हें मेरी याद आ जाए तो ये बांसुरी बजाओगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। राधा जी कहने लगे, कन्हैया तुम कह रहे हो कि जब कभी याद आ जाए, ऐसा कौन सा क्षण होगा, ऐसा कौन सा पल होगा जिस समय मैं तुम्हें भूल जाऊं? तो मुझे हर पल हर क्षण याद रहोगे। और ये प्रेम की जो आप सौगात प्रेम का उपहार ये बांसुरी देकर के जा रहे हो, ये उपहार जो होता है ये तो और भी अधिक दुखदायी होता है। इसको देख देख करके तो आपकी जान याद सताई हो। नहीं ब्रह्म सुकाम नहीं हमको बैकुंठ की रावन जानी है, ब्रज की रज में रज हो के मिलूं यही प्रीत की रीत निभा। नित माखन छाछ पिलाया करे हम श्याम की प्रेम पुजार में, नंद नंदन की देहरी पर घिस कर अब कर्म की रेख मिटावर। ठीक नहीं है, ठीक है, मैं लाख प्रयास करूं तो तुम नहीं रुकोगे।
ठीक है, मैं तो यही प्रार्थना करूं तुम जहां रहो प्रसन्न रहो, खुश रहो, अमन चैन में रहो। ठीक है कन्हैया, हमारा अकेला है। एवं ब्रुवाणां विरहातुराभृशं ब्रजास्त्रिये कृष्ण विषादमानसा विस्राजलाजा रुरुदा गोविंद दामो धर्माधवी। बंधुओं, गोपियों ने उच्च स्वर में रोना शुरू कर दिया। ये भागवत का प्रभाव है, फुट फुट करके जोर जोर से रोई। हाँ, उच्च स्वर में विसृज्य लज्जा, ये नहीं सोचा कोई क्या कहे। विसृज्य लज्जा, लज्जा को छोड़ करके फूट फूट करके सखियां जो है वो किया है, रोने लग गई है, गला रुंध गया। गोविंद दामो धर्माधवी, गोविंद नाम लिख के माधव लिख के किस तू जाएगा। ठीक है, और प्रेमियों कन्हैया राधे जी को पास देख करके और आई गोपियों से, गोपियों मुझे जाने दो। मैया से आकर के कहने लगे, मैया धैर्य धारण करो, मैं जल्दी आऊंगा, जल्दी आऊंगा। नंद बाबा समझाने लगे, महर अब देख, आज पहली बार तेरा लाल बाहर जा रहा है, अब जाते वक्त अब आंसू मत गिराना, अब आंसू मत गिराना। ठीक है स्वामी। और जैसे ही प्रेमियों नंद भवन से सब एकत्रित हो, यहाँ अक्रूर जी ने रथ तैयार कर लिया। कृष्ण और बलराम को जैसे ही रथ पर चढ़ने की ओर देखे, और जैसे ही कन्हैया और कृष्ण और बलराम मैया को प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करके और जैसे ही मिले तो मैया ने जैसे ही कन्हैया को अपने लाल को जैसे सीने से लगाया तो अपना तो छोड़ते बत रहा है, और जो कहा तक आंसू प्रेमी आंसुओं की तो बाढ़ आ गई। आखिर प्रेमियों सांवरे बिहारी ने भी आज अपनी मां के उस विरह में उनकी वो भी अपने आंसुओं को नहीं, और भीगी पलकों से ही माँ से विदा होकर के प्रणाम करके सभी को और रथ पर जाने थे। जो ही रथ पर जाकर के बैठे, गोपियों ने आगे जाकर के रथ के घोड़ों की लाश पकड़ ली। हे कन्हैया, हम नहीं जानेंगे, ये रथ जाएगा तो हमारे शरीर के ऊपर से जाएगा। कन्हैया ने हाथ जोड़े, गोपियों मैं जल्दी आ जाऊंगा, क्षमा करो, जल्दी आ जाऊंगा। हाथ जोड़ जोड़ करके उनको दूर हटाया। अक्रूर जी ने भी प्रार्थना करी, तब जाकर के गोपियां इधर उधर हो गई। लेकिन आज पूरे उस गोकुल क्षेत्र का ये जो दृश्य विधि में डूबा हुआ है, जहां देखो वही आंखों से केवल बरसात हो रही है। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद न करे। Yeah.
मथुरा नगरिया ओ धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना है तुमको मथुरा नगरिया, जाना है तुमको मथुरा नगरिया। Yeah.
जो ही बैठे तो चारों तरफ से केवल अश्रुओं की बरसात दिखाई दे रही है। तो प्रेमियों, अरथ वहां से जो ही प्रस्थान किया, सब केवल मूर्ति की तरह देखते रहे और धीरे धीरे रथ गोकुल से मथुरा की ओर प्रस्थान कर गया। जब तक कन्हैया का रथ दिखाई देता रहा, तब तक तो मैया खड़ी खड़ी देखती रही। जो ही रथ दृष्टि से ओझल हो गया, दृष्टि से जैसे ही ओझल हुआ रथ, ओझल होती तो सब अपने अपने घरों में, आज वही घर वही गोकुल, लेकिन किसी काम में घर भी अब खाने को दौड़ रहा है। मैया अंदर गई तो अंदर जाकर के बस केवल अस्त्रोत्पात के अलावा कुछ नहीं। और प्रेमी औरत आगे बढ़ा, चलता चलता आगे यमुना के नजदीक जब पहुंचा, अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया मैं यमुना में आचमन कर लू थोड़ा। कि हाँ चाचा जी, रथ में बैठे हैं कृष्ण और बलराम। अक्रूर जी जैसे ही यमुना में नीचे किनारे पर आचमन करने के लिए पानी वो इत्यादि धोने के हिसाब से, पानी पीने के हिसाब से गए, क्या नजारा देखते हैं। जो ही पानी पर नजर पड़ी तो भगवान सांवरे बिहारी पानी में दिखाई दिए। वही कृष्ण और बलराम सोचे ये यहां थोड़े बाहर निकल गए प्लेन से कि मैं भ्रम तो नहीं हो रहा है। मुझे वापस देखे रथ में जाकर के तो कन्हैया वहां फिर वापस आए, आंखें बंद कर ले कि प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। रथ में आकर के चुपचाप बैठ गए और रथ फिर चला दिया है। और प्रेमियो चलता चलता रथ मथुरापुरी के किनारे पर पहुंच गया। कन्हैया कहने लगे, चाचा जी अब हमें यही रोको, हम यही उतार दो और आप रथ को लेकर के अपने घर चले जाओ। कन्हैया क्या मेरे घर नहीं चलोगे तुम, हमारे घर को भी पवित्र कर दो। चाचा जी आपको तो सब पता है, पहले एक बार धनुष यज्ञ का आयोजन तो देख लू, आपके घर भी जरूर आऊंगा। सामने बिहारी आपकी जैसी कृपा और अक्रूर जी को विदा कर दिया। दोनों भाई जहां व्यवस्था इनकी बना रखी थी गोकुलवासियों के लिए, जो धर्मशाला तय कर रखी थी कि यहां पर उन लोगों के लिए विश्राम स्थल है, दोनों भाई पहुंच गए। पीछे से तब तक कुछ देर बाद में नंद बाबा गोप ग्वाल भी रथों से आप पहुंचे हैं। सभी जब एकत्रित हो गए, गोप ग्वाल कन्हैया कहने लगे, आओ भैया मथुरापुरी का भ्रमण कर लें, देखें कैसी है। चलो भैया चल दिए और फिर मैं थोड़ा ही चले होंगे।
रज के कसीदी आयां ते रंगकार गदाग जे दृष्ट्वा याचत वंसासी धोत्यान्य जैसे ही सबसे पहले भेंट हो गई धोबी जी से, रज कम कसि दायन धोबी जी से भेंट हुई और जैसे ही धोबी बहुत सारे जो कपड़ों को लेकर के जा रहा था, कन्हैया ने कहा अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अप्रेमियों राज दरबार का धोबी जो था, क्यों नहीं? मैं तो वैसे ही पूछ लिया, लेकिन ये कपड़े ये राज दरबार के कपड़े हैं, राज दरबार के है तो भैया ऐसे करें इन कपड़ों में से कुछ हमारे मित्रों को दे दे। हाँ? अरे कहां से उतर के आए? गांव के गवारों, इतनी मार पड़ेगी महाराज को पता लग गया तो इतनी मार लगवाऊंगा। अपनी सूरत देखिए, गांव के गवार हो, कोई सभ्यता नहीं है। ये महाराज के मंत्री हैं जो उनके कपड़े हैं, उनके सहायकों के कपड़े हैं। अच्छा, कई प्रकार के अपशब्द कह रही है। सांवरे बिहारी को तो उसका उद्धार करना था। कन्हैया कहने लगे अपने भैया से दाऊ से, दाऊ ये धोबी को भेंट दे दो। बलराम जी कहते तेरी इच्छा भैया, दे दे। और कन्हैया ने एक ही मुक्का जमाया और धोबी जी गोविंदाय नमो नमः। धोबी जी के जाते ही तो मथुरापुरी में हल्ला हो गया कि वो बालक कृष्ण राम हो जो भ्रमण कर रहे, उन्होंने धोबी को एक ही लगाया और धोबी जी गए। अब तो प्रेमी आगे चले तो कपड़े तो उन्होंने ले लिए, जिसको जैसा पसंद आया उन्होंने उठा उठा करके और पहन लिए। लेकिन अब दरबारी तो हष्ट पुष्ट थे सब, अब किसी के ढीले किसी के लंबे। कन्हैया से कही कन्हैया कपड़े तो नए नए दिला दिए, लेकिन फिटिंग तो करवा इनकी, इनको ठीक तो करवा, ये तो हमारे नाम के हिसाब से नहीं है। चलो भैया आगे चलो। आगे चले तो प्रेमी दर्जी तो पहले ही हाथ जोड़ करके आगे खड़ा हो गया। लाओ भैया आपके सही कर देता हूँ कपड़े। दर्जी ने कपड़े सही कर दिए और आगे चले कि भैया कपड़े तो सही हो गए। अच्छा तो आओ कि सुदाम तत भवन मालाकार जगमतु तौ दृष्ट्वा से समुत्थाय ननामे शिरसा भुवि। ननामे शिरसा भुवि। सुदामा नाम का एक मालिनी है और सुदामा नाम का भगवान का ये सुदामा नाम का माली है। माला फूल लेकर के और भगवान की बड़ी भाव से अगवानी करी है। सभी को भगवान को पहले माला पहनाई, बलराम जी को पहनाई, फिर मित्रों को पहनाई, भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दे दिया। कन्हैया कहने लगे, कन्हैया से ये कहने लगे भगवान के सखा, अरे कन्हैया कपड़े तो अच्छे पहना दिए, माला भी पहना दी, अब तिलक छापा तो लगवा दे। कि भैया वो भी लगवा। उसी समय प्रेमियों कंस की एक दासी है कुब्जा, बहुत टेढ़ी लपेटी टेकती आ रही है। जैसे ही सामने आई कन्हैया ने कहा देवी कहां से आ रही हो, कहां को जा रही हो और ये हाथ पे चंदन किसके निमित्त किसके लिए? कि देखो हे भैया मैं तो ये कंस के दरबार की दासी हूँ और वहीं पर उनको चंदन लगाती हूँ। तो कन्हैया ने कहा कि हमारे लगा दो। कि हाँ आपको भी लगा दूंगी। कन्हैया को भी तिलक लगाया, गोप वालों को भी तिलक लगा दिया और प्रभु ने प्रेमी उसका जो कुंभटपन था, शरीर में जो रोग था, तीन तरह से झुकी हुई थी, उस पर पैर पर एक पैर रखा प्रभु ने, उसकी नेक ठोड़ी के हाथ लगाया थोड़ा सा के और उसको एकदम नवीन बना दिया।
प्रभु ने कुब्जा पर भी कृपा कर दी। अब प्रभु आगे चले, उधर प्रेमियों कंस ने जो है क्रीड़ा स्थल है उसको सजा रखा था मलयुद्ध के लिए, रंगभूमि को सजा रखा था चाणक मुष्टिक आदि संतोषल आदि जो था जो हाँ अब तो कंस ने गोप वालों को बुलवाया सबको, उन्होंने जो जो भेंट लाए थे वो भेंट पहुंचा दी। भगवान सामने बिहारी भी आ पहुंचे हैं, दोनों भाइयों ने फेंट कस ली अपना दुपट्टा है जिसे योद्धा कमर कस लेते हैं, ऐसे दोनों तैयार हुए। और प्रेमियों जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो महावत ने हाथियों को आगे कर दिया। कन्हैया ने कहा, बलराम जी ने कहा, महावत ने हाथियों बढ़ा, लेकिन वो तो अहंकार में था ना, कैसे भी करके इनको, लेकिन नहीं माना। और प्रभु ने और बलराम जी ने अपना युद्ध वहीं से प्रारंभ कर दिया है। अब तो हाथियों को उठा उठा करके मारने लगे हैं और प्रेमियों बड़ा भारी युद्ध हुआ है। हाथियों के दांत उखाड़ लिए सामने बिहारी ने, और हाथ जैसे ही दांत उखाड़े हाथियों के, वही प्रभु के और बलराम जी के लिए वही अस्त्र बन गए हैं, उसी से मारने लगे। महावत वगैरह भी सामने आए तो उनसे भी युद्ध प्रभु का होने लगा है। और चाणूर मुष्टक आदि सब पहलवानों को धराशायी करते गए हैं और प्रेमियों धनुष का भंजन कर दिया। आगे अब तो केवल कंस को जब पता लग गया कि धनुष का भंजन हो चुका है, मेरे कुवल या फिर हाथी को भी धराशायी कर दिया, तो कंस कहने लगा, अरे इन कमारों को, इन वालों को यहां से निकालो, निकालो बाहर इनको। तो कभी कंस इधर देखता कभी उधर, सांवरे बिहारी बलराम जी से कहने लगे, भैया अब ऐसे करो, यहाँ की व्यवस्था तुम संभालो और मंच की मामा को संभालता हूं मैं। और प्रेमी बलराम जी को तो छोड़ दिया नीचे, और छलांग लगाई है सामने बिहारी ने। जैसे ही छलांग लगाई और कंस के बिल्कुल नजदीक, वहीं जाकर के छलांग चढ़ गए मंच पर और केस पकड़ लिया। केस पकड़ते ही तो कंस भयभीत हो गया। अब प्रेमी कंस को अपना काल दिखाई देने लगा है। प्रभु कैसे दिखाई दे रहे हैं, सबको अलग अलग, बाकी जनता को अलग, भक्तों को अलग, नंद बाबा को अलग, किसी को अपना पुत्र दिखाई दे रहा है, किसी को अपने मित्र दिखाई दे रहे हैं, जो परम संत है उनको अपना परम ब्रह्म दिखाई दे रहा है, भक्तों को भगवान दिखाई दे रहे हैं। की जागी रही, जागी रही भावना को तो काल दिखाई देना है, गोप वालों को अपना परम सखा दिखाई देने है। और प्रेमियों देखते देखते जैसे ही कंस को, जैसे ही केस उसे एक बार कोई झिझोड़ा और कहा, मामा देख पहचाना, मैं ही देवकी का अष्टम लाल हूं, पहचाना। अब तो कंस से कुछ नहीं बोल सका, तब तक तो झिझोड़ करके और बालों से खींच करके और पृथ्वी पर फेंक दिया, और फेंक करके स्वयं प्रभु उसके ऊपर ही कूद पड़े हैं और देखते देखते उसके प्राणों का हरण कर लिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय।
मेरा दिल तुझ पे गुरबान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे गुरबान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे गुरबान, मुरलिया वाले रे ओ मुरलिया वाले रे सारिया प्यारे रे, ओ मुरलिया वाले रे सारिया प्यारे रे, अब तो ओ अब तो ओ अब तो हो जा मैं मेहरबान, मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे गुरबान। Be the